दोस्तों मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बैड सिविल स्कोर के बेसिस पे हमें लोन चाहिए। एक ऐसी एप्लीकेशन बताइए जिसमें हमें जीरो सिविल या बिना सिविल के भी पर्सनल लोन बहुत ही आसानी से मिल जाए। तो आज हम आपके लिए लेजिट एप्लीकेशन लेके आए, आरबीआई रजिस्टर्ड एप्लीकेशन लेके आए, एनबीएफसी अप्रूव्ड एप्लीकेशन लेके आए हैं, जो आपको घटिया सिविल, जीरो सिविल, अगर आपका सिविल 500 है, 600, 700 है, ऐसे घटिया सिविल पे भी लोन यहाँ पे आप ले सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आज मैं कोई रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, ये एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। मैं लाइव प्रूफ शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, पूरा लाइव प्रोसेस बताऊंगा दोस्तों कि कैसे यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग साइड स्क्रीन पे लाइव प्रूफ देख सकते हो यहाँ पे इस एप्लीकेशन का, इससे हमें यहाँ पे लोन मिला है। और ये लोन मिलने के लिए हमने क्या प्रोसेस फॉलो करी, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स लगाई है, वो आज के इस वीडियो में शेयर करने वाली है। लेकिन दोस्तों मैं आपको रियलिटी भी बता देता हूँ लोन एप्लीकेशन की, कि जब भी आप लोन एप्लीकेशन में लोन लेने जाते हैं दोस्तों, ना कुछ एप्लीकेशन लूटने के लिए ही बैठी हैं, ठीक है ना। हाँ, इमरजेंसी लोगों को होती है। इमरजेंसी में क्या होता है ना कि कुछ एप्लीकेशन आपकी हेल्प करती हैं और कुछ एप्लीकेशन आपका फ़ायदा उठाती हैं। तो ये जो आज मैं एप्लीकेशन बताने वाला हूँ ना, वो कस्टमर का अपना फ़ायदा उठाती है। कस्टमर को इमरजेंसी होती है लोन लेने के लिए, तो वो लोन तो दे देती है, लेकिन इसके चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूंगा कि आज जो एप्लीकेशन बताने वाला हूँ उसके चार्जेस हैवी हैं। और मैं आपको बताऊँ तो इसमें सैलरीड भी अप्लाई कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड भी अप्लाई कर सकते हैं। जो सैलरीड है उनको एक बड़ा लोन अमाउंट देखने को मिलता है, वहीं पे जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनको छोटा लोन अमाउंट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आप ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे दोस्तों, चलेंगे सीधे मोबाइल स्क्रीन पे और वहाँ ले जा करके आपको अप्लाइंग प्रोसेस बताएंगे कैसे अप्लाई करते हैं। लेकिन मैं अगर रियलिटी की बात करूँ ना, मेरे सजेशन ये पूछो भाई कि कोई एप्लीकेशन बताओ जो इससे बेटर हो, जो आज आप बताने वाले हो, तो इससे बेटर एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लेकिन अगर आपको लोन लेना है तो लोन मैं आपको कहूँगा कि इमरजेंसी में ही लीजिए, चाहे तो लीजिएगा एप्लीकेशन से, चाहे कोई भी लोन लेना हो, ठीक है ना। आप चाहे किसी का भी वीडियो देख लो, आंख बंद करके किसी भी यूट्यूबर पर ट्रस्ट ना करें। आज के समय में सब अपनी दुकान यहाँ पे खोल के बैठे हैं, रियलिटी आपको कोई नहीं बताता है। मैं अपने चैनल पर रियलिटी बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम फाइनेंशियल रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं। अगर कोई एप्लीकेशन जीरो सिविल वाली है तो हम उसका रिव्यू भी करते हैं। लेकिन आज जो एप्लीकेशन बताने वाला हूँ वो एनबीएफसी रजिस्टर्ड, आप चाहे तो आरबीआई की वेबसाइट पे चेक कर लीजिएगा, आप इनके अबाउट सेक्शन में एनबीएफसी देख लीजिएगा, इनकी वेबसाइट पे विजिट कर लीजिएगा। ये सारा हम काम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसके बाद ही हम आज का ये वीडियो बना रहे हैं। जो रियलिटी है वो आपको बता देंगे, कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। अगर कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो होता है तो ऐसे हम खुल के कोई चीज़ डिस्कस नहीं करते। अब चलते हैं दोस्तों मोबाइल स्क्रीन पे और वहाँ ले जाके इस एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं। अगर फिर भी अगर आपको अप्लाई करना है, मतलब सारी चीज़ें देखने के बाद भी, तो अप्लाइंग लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको कहीं भटकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलते हैं स्क्रीन पे, शेयर करते हैं डिटेल। सबसे पहले गेट स्टार्टेड के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको दोस्तों ये परमिशन अलाउ करनी है, आप ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। और कोई भी यहाँ पे आपसे कॉन्टेक्ट की परमिशन नहीं ली जा रही है दोस्तों। अब हम चलते हैं यहाँ पे, चेक टिक करते हैं इस पर और अलाउ कर देते हैं यहाँ पे। अलाउ करने के बाद दोस्तों हमें एक बार फिर से अलाउ करने का परमिशन, यहाँ पे सबसे पहले हम अपना मोबाइल नंबर डालते हैं और गेट ओटीपी के बटन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद एक ओटीपी आएगा आपके नंबर पे, इसको यहाँ पे डाल के आपको वेरीफाई क्लिक पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे हम वेरीफाई के बटन पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं हमारे पास कौन सा स्टेप निकल करके आता है। इसके बाद दोस्तों आपको ये तीन स्टेप्स कंप्लीट करने हैं, जिसमें यहाँ पे आपका केवाईसी है, पर्सनल डिटेल है और गेट ऑफ़र है। और यहाँ पे हम गेट कैश पे क्लिक करेंगे। मैं आपको फिर से बता दूँ, एप्लीकेशन सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों के लिए वर्क करती है, लेकिन जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनको लोन थोड़ा महंगा पड़ता है और कम समय के लिए मिलता है। तो यहाँ पर हम पहले गेट ऑफ़र पे बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम पहले केवाईसी करेंगे और कुछ पर्सनल डिटेल फिल करेंगे और गेट ऑफ़र पर हम क्लिक कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें हमारा नाम पूछ रहा है, फुल नेम पैन कार्ड के अकॉर्डिंग, और हमारी मेल आईडी, तो ये हम डाल देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमें यहाँ पे अपना पैन कार्ड का नंबर डालना है और यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है आधार कार्ड, तो यहाँ पे वाया आधार ओटीपी से कर सकते हैं या वाया डिजी लॉकर से कर सकते हैं। तो जिसमें भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। और करने के बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। और आपके पास आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए, तभी आपकी केवाईसी सक्सेसफुल हो जाएगी और पूरी हो जाएगी। यहाँ पे एक ओटीपी आएगा आपके आधार रजिस्टर्ड नंबर से, तो उस ओटीपी को यहाँ पे आप एंटर कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आपको अपनी एक सेल्फ़ी देनी होती है, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपको अपनी सेल्फ़ी देनी है, जिसमें आपका जो फेस है वो एकदम सेंटर पर होना चाहिए। तो यहाँ पर पहले क्लिक सेल्फी पे क्लिक करेंगे हम।
क्लिक सेल्फी पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे सेल्फी को ले लेंगे और सेल्फी को अपलोड कर देंगे। इसके बाद लोन अमाउंट पूछेगा कि आप कितना लोन अमाउंट लेना चाहते हैं, तो आप अपने मर्जी से जो भी लोन अमाउंट डालना चाहे वो लोन अमाउंट आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो उस लोन अमाउंट को हम यहाँ पर डाल लेते हैं। इसके बाद हम जेंडर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर मेल है या फीमेल, ठीक है। तो आपका जो भी जेंडर है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं आगे मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हो या मैरिड हो, आपको ये मैरिटल स्टेटस को यहाँ पे डाल देना है। और मैरिटल स्टेटस डालने के बाद आपकी क्वालिफिकेशन पूछेगा कि आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है, तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। एम्प्लॉयमेंट डिटेल पूछेगा कि आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो एम्प्लॉयमेंट डिटेल आपको यहाँ पर दे देनी है। जो भी हो आप, दोनों केसेस में लोन यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। तो इसके बाद अगर जैसे इसमें सेलेक्ट करेंगे, तो अगर आप यहाँ पे सैलरीड हैं तो आपको अपने कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी है। इसके बाद मोड ऑफ पेमेंट पूछेगा, तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन करना है, बैंक ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। अगर आप लोग चेक या कैश करते हो तो हो सकता है आपका लोन रिजेक्ट हो जाए, इसीलिए हमेशा आप बैंक ट्रांसफ़र पर ही क्लिक करिएगा, चाहे आप किसी भी एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करें, ठीक है। इसी एप्लीकेशन में इसकी बात नहीं है, चाहे आप किसी भी एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करेंगे आपको हमेशा बैंक ट्रांसफ़र पर ही क्लिक करना है। कंपनी नेम आपको डालना है दोस्तों, कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो किस कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद इंडस्ट्री सेलेक्ट करनी है कि वो जो कंपनी है वो किस इंडस्ट्री के अंदर आती है, तो वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद आपको अदर इन्फॉर्मेशन देनी है कंपनी से रिलेटेड, तो आपको सही इन्फॉर्मेशन सारे चीज़ों का दे देना है। डेजिग्नेशन पूछेगा किस पद पर हैं आप, किस पद पर काम कर रहे हैं, तो वो पद आपको चुन लेना है। मैनेजर चुन सकते हो, अगर आपका आसपास कोई कंपनी है तो उसकी डिटेल भी यहाँ पे फिल कर सकते हो, ठीक है। मंथली इनकम कितनी है वो यहाँ पे डाल देना है, तो मंथली इनकम भी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड को भी लोन मिल जाता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा ठीक ठाक डालिएगा। वर्क एक्सपीरियंस पूछेगा, तो वर्क एक्सपीरियंस में आप कितने साल से काम कर रहे हो वो यहाँ पर डाल देना है। तो कोशिश करिएगा आप लोग ज़्यादा डालें, ठीक है। मंथली इनकम कब आती है, सैलरी डेट कौन सी होती है, कब है आपकी, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है आप लोगों को, ठीक है। अगर आप सैलरी बन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इस तरह का ऑप्शन आएगा, नहीं कर रहे हो सैलरी बन के तो आपको दूसरा तरीका ऑप्शन आएगा। आप का रेजिडेंट कैसा है, खुद का है या फिर रेंटेड है, तो यहाँ पे आपको ऑन्ड पे क्लिक करना है, रेंटेड पे क्लिक नहीं करना है। इसके बाद आपको एड्रेस जो है वो फिर से कन्फर्म यहाँ पर कर देना है। एड्रेस यहाँ पर कन्फर्म करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है, जिसमें भी आपकी इनकम यहाँ पे आती हो, तो आपको अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और फिर आपके अपने बैंक की डिटेल यहाँ पे आपको सबमिट करनी होती है। तो यहाँ पे हम एक बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे कनेक्ट योर बैंक, तो बैंक कनेक्ट करना है यहाँ पे, तो आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा फेच यूजिंग फ़ोन नंबर। ये RBI से रेगुलेटेड अकाउंट एग्रीगेटर है दोस्तों, तो बिल्कुल ट्रस्टेड है और आप ट्रस्ट कर सकते हो। बस इसमें OTP के थ्रू आपकी सारी डिटेल ये लोग फेच कर लेते हैं, आपको कुछ भी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप लोग वो फ़ोन नंबर डालेंगे जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो, इसके बाद गेट OTP के बटन पे आप लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। तो एक OTP जाएगा, इसके बाद आपकी डिटेल ही ले लेगा। फिर आपका ऐसा मैसेज आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन योर लोन हैज़ बीन अप्रूव्ड सक्सेसफुली। ये आपका ऐसा मैसेज आएगा, समझ लो आपको लोन मिल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4,000 का लोन मिल रहा है दोस्तों, 472 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी काटी जाएगी, 3628 रुपये समथिंग पैसे अकाउंट में आएंगे और 5120 रुपये का यहाँ पे पेमेंट करना है। आप चाहें तो इस अमाउंट को अपग्रेड भी कर सकते हैं, यहाँ पे अपग्रेड अमाउंट का ऑप्शन भी आता है, लेकिन अपग्रेड अमाउंट के लिए दोस्तों आपको और डिटेल देनी होती है, तो ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग हाँ कर सकते हैं बाकी अगर आपके पास डिटेल है तो, अदरवाइज़ आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप छोटा मोटा लोन ले सकते हैं। अगर आप सैलरीड हैं, अगर आप अपनी सैलरी स्लिप देते हैं, तो ऐसे केसेस में आपको यहाँ पे बड़ा लोन अमाउंट देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको 4,000, 5,000, 10,000 तक लोन यहाँ पे देखने को इस एप्लीकेशन में मिलने वाला है। और सिविल पे भी डिपेंड करता है कि आपका सिविल कितना है, तो उसके बेसिस पे मिलता है। इसके बाद आपको अपने रेफरेंसेस की डिटेल डालनी है, तो रेफरेंस आपसे पूछेगा। रेफरेंस मतलब ये होता है कि मान लो कि अगर आप फ़ोन नहीं उठाते हो तो आपके यहाँ पर अपने दोस्त या फिर आपके फैमिली मेम्बर में से कंपनी कॉल कर सकती है। तो कंपनी एक तरीके से ये राइट लेती है कि अगर आप कॉल नहीं उठाते हो तो हम यहाँ पे आपने जो नंबर दिए हैं हम उसमें कॉल कर सकते हैं, तो वो चालू होने चाहिए। अभी आप ऐसे नंबर दीजिएगा, इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है यहाँ पे। इसके बाद आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल देनी है, जिसमें आप लोग पैसा लेना चाहते हैं, जिस खाते में भी आप लोग पैसा लेना चाहते हैं, तो उसकी यहाँ पर आप डिटेल डाल के आप लोग नेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों हम देखते हैं कौन सा स्टेप हमारे पास आता है। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं और देखते हैं हमारे पास आता है कौन सा। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग का ऑप्शन आएगा, ये पैसे आपके अकाउंट में जा रहे हैं लेकिन आपको लोन चुकाने के लिए काफ़ी कम समय यहाँ पे मिलता है, इस वजह से इसके जो चार्जेस है वो हैवी लगते हैं मुझे। तो एमरजेंसी हो तो ही यूज़ करिएगा, बट इससे भी अच्छी एप्लीकेशन है जिसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, क्योंकि दोस्तों ये एप्लीकेशन कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रही है क्योंकि टाइम बहुत कम मिल रहा है सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए। आपका क्या कहना है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा।